अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं असद भरोही और असद भरोही व्लॉग्स में खुशामदीद। फ्रेंड्स, आज मैं चैनल पर जैसे ही आया तो मुझे सिम्बा में, ये सिम्बा है, सिम्बा में इसमें और इस फीमेल में टिक्स नज़र आई। देखें इसकी आंख के ऊपर लगी हुई है कुछ टिक्स नज़र आई। तो टिक्स का सीज़न है, टिक्स शुरू हो चुके हैं, तो टिक्स डॉग्स के लिए बेहतर नहीं होते, ठीक नहीं होते। टिक्स के बाद ये कमज़ोर भी होते हैं, खाना खाना छोड़ते हैं, टिक फीवर होने का खतरा होता है और ये फिर बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं। तो नेक्सगार्ड की टेबलेट मेरे पास पड़ी हुई थी, क्योंकि मैं पहले स्प्रे वगैरह यूज़ करता था, तो स्प्रे भी ठीक है, टिक्स लगते हैं हम कर देते हैं, ख़त्म हो जाते हैं जहाँ एक आधा हो। लेकिन यहाँ अब ये है कि नेक्सगार्ड का रिज़ल्ट मुझे ज़्यादा बेहतर मिला है, तो नेक्सगार्ड की टेबलेट मैं लेकर आया हूँ साथ और इन डॉग्स को नेक्सगार्ड की टेबलेट दूँगा। तो सोचा कि ये आपसे भी शेयर करूँ। तो भाई सिम्बा को निकालो, बा बाहर निकालेंगे पूरी। ये है जी 25-50 के जी वाली है, ठीक है, 25 से 50 किलो के कुत्ते को दे सकते हैं। खोलना, वीडियो बनाओ, यहाँ सिम्बा, ये लो सिम्बा, सेट सिम्बा खाता एक्शनों से, बैठ के यहाँ रखता हूँ, यहाँ बैठ के तसल्ली से खाता है ये। खाओ सिम्बा, चलो अबे खा लो, नखरे इसके भी खत्म नहीं होते। सिम्बा चलो, खा क्यों नहीं था, जाया करेगा ये देखो, थोड़ी थोड़ी सी जाया कर रहा है, चलो जी सिम्बे को तो दे दी, अब कहाँ है दूसरी, कहाँ है ये जी, एक दूसरी फीमेल को देंगे। फीमेल्स को देंगे ये टेबलेट, तो ये दो हैं जन्म शक्ट देंगे पहले तुम्हारे। चलो बा, चलो चलो चलो, एक अंदर रहे, यहाँ आ जा, अंदर आ जा, एक इसको दे दें, दरवाजा बंद नो, डरो नहीं, डरो नहीं, डरो नहीं, डरना नहीं, वैसे तो ये ट्रीट की तरह होती है, चॉकलेट फ्लेवर होती है, इसमें फ्लेवर होते हैं तो आ जाते हैं, लेकिन ये पता नहीं क्यों नखरे कर रही है, मैं इसको फिर ज़बरदस्ती खिला रहा हूँ। वैसे ये ट्रीट की तरह होती है, सुकून से कोई भी खा लेता है। यहाँ आओ, अभी आवाज रहती है, जाया नहीं करियो बेटा, खा गया, जाया कर रही है, देखो ये असल में हाथ से नहीं खिलाऊं तो ऐसे जाया करते हैं।
कंप्लीट खा लेना, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। खा गई? ठीक है। तो फ्रेंड्स, इनको मैंने टेबलेट्स दे दिए हैं और तकरीबन कोई, मैं हाथ धो लूँ ज़रा, तकरीबन इनको मैंने 3 महीने पहले, तकरीबन 4 महीने हो गए होंगे यार, 4 महीने पहले टेबलेट दी थी। तो 3 महीने तक तो कंप्लीट इसका असर रहा टेबलेट का, और 3 महीने बाद अब मुझे इन पे टिक्स होते हुए नज़र आए। तो समझ लें कि इस टेबलेट का 3 महीने तक असर रहता है कैनल में, क्योंकि कैनल में डॉग्स आते रहते जाते रहते हैं, टिक्स ज़्यादा होती हैं, तो शायद इस वजह से भी टिक्स हो रही हूँ। जल्दी घर में आप चेक करके देख लीजिएगा, लेकिन रिज़ल्ट बेहतर लगा है मुझे। तो इनको ये दे रहा था टेबलेट्स, तो सोचा आपसे भी शेयर करूँ। बहुत से लोग टिक्स का पूछते हैं कि जी टिक्स के लिए क्या करना चाहिए, टिक्स कैसे ख़त्म करें। हम खुद भी टिक्स की वजह से डिस्टर्ब रहते हैं, तो आज इनको मैंने टेबलेट दिए, तो ये अभी से ही इनके टिक्स जो है ना कि कल से मरना शुरू हो जाएंगे और ख़त्म हो जाएंगे। तो अब देखते हैं, फिर आज की मैं डेट लिखता हूँ कि अगले 3 महीने तक रहता है असर कि जल्दी ख़त्म होता है इस गोली का। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक आती रहे। इसी के साथ साथ मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।